बस ये है बिरयानी मैंने जो कि वेज पुलाव, आप वेजिटेरियंस बिरयानी आप देख सकते हैं। और ये गोभी और आधी सब्जी मेरी अपने घर के ऊपर छत से उगाई हुई है, बड़ी इलायची के और लौंग और काली मिर्ची के साथ में, सोया बड़ी और आलू के साथ में। मैंने किस तरह से, आलू तो सिर्फ मैंने एक डाला है, कैसी मैंने बिरयानी बनाई है आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। जैसे आपको देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हींग वाली बनाई है और हींग वाला तो बहुत ही अच्छा नाश्ता खाना लगता है। तो चलिए पूरी वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पे, और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव बिरयानी जो कि वेज बिरयानी वेजिटेरियंस। तो ये है मेरी सफल मटर जो कि ये 20 रुपये की है और 30 रुपये पाव है, तो आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। अब हमने एक टमाटर कट कर लिया है और एक बड़ा सा आलू कट कर लिया है और छिलका नहीं उतारा है हमने इसका, धो लिया है आलू को। और हमने गोभी को गर्म पानी में धो लिया है और ये गोभी मेरी टेरेस गार्डन की है, एकदम फ्रेश फ्रेश। और ये देखिए मैंने जो आप देख सकते हैं सोया बड़ी को, यानी कि सोयाबीन की उड़दी मेरे यहाँ पे बोलते हैं, इन्हें मैंने फूले लिया है। इन्हें देखिए अच्छे से फूले लेना है पानी में, और अब इनका पानी निकाल के एक साइड में रख लेना है। तो मैं इनका पानी निकाल के एक साइड में रख लूंगी। सारी सोयाबीन की उड़दी का पानी निकाल लेना है हमें। देखिए गाइस ये सोया बड़ी को हमने पानी से ऐड कर लिया है निचोड़ के, इसमें पानी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए इसमें ताकि तेल इसके अंदर ज़्यादा ना भरे जब हम फ्राई करते हैं फ्राई करते समय। तो यहाँ पे मैंने चावल को 2 से 3 घंटा भिगो के रखा था पानी में, जो कि अच्छे से ये आधे गल चुके हैं और आधे ये पानी के साथ हमारे जो बिरयानी में गल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं तेल, मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब हम डालते हैं गाइस इसमें 2 तेज पत्ता, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और जीरा। मैंने डाल दिया इसमें देसी घी एक चम्मच, बड़ी चम्मच। अब हम सबसे पहले डाल देंगे इसमें सोया बड़ी को, क्योंकि हमें थोड़ी सी सोया बड़ी जो है अपनी सोयाबीन की उड़दी फ्राई करनी है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा चला के। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च तोड़ ली है बीच में से, जो कि गार्डन की है मेरे और बहुत ही मुलायम है। तो चलिए गाइस सोयाबीन की उड़दी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं। सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर, ताकि टमाटर फ्राई हो जाए हमारा। और हाँ ये तो हमारी हरी मिर्ची है और गोभी है मेरे गार्डन की, इसे भी हम फ्रेश फ्रेश गोभी को भी डाल देंगे। और ये जो मेरा ये आलू है छोटा कट किया, इसे भी डाल देंगे। और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे चलाते हुए। अब देखिए गाइस स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, इससे जल्दी हमारी जो सब्जी है आलू गोभी और टमाटर जल्दी गल जाएगा। और इसे चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि सब्जी गलती रहेगी और हमें मसाले को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी जो मसाले हैं हमारे बिना चलाए भुनते रहेंगे। तो गाइस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ पाउडर, जो कि अदरक का होता है। ये देखिए सौंफ पाउडर मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। अच्छा।
ना पूछना बताया हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कैसे देगा मैं रूल। देखिए दम लगा कर मैं इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चावल और मटर को भी ऐड कर दिया है और मैंने डाल दिया है इसमें 1 लीटर से कम यानी कि 3 पाव पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इसे हम बहुत ही मीडियम लो फ्लेम कर देंगे, मीडियम भी नहीं रखेंगे और हाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब बस इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम ढक देंगे। अब देखते हैं 5 मिनट के बाद। चलिए गाइस यहाँ से मैं अब हटा लेती हूँ प्लेट को और देख लेते हैं हमारी बिरयानी वेज यानी वेजिटेरियंस बिरयानी हमारी कैसी बनी है, जो हमारे पुलाव आप बोल सकते हैं। वाह देखिए बहुत ही अच्छी एक लुक आई है हमारी वेज बिरयानी की। और हमने यहाँ से अब फ्लेम कर दिया है ऑफ, हमने गैस को एकदम बंद कर दिया है। और देखिए हमारी बिरयानी एकदम बढ़िया बनी है, जो कि वेज बिरयानी हमारी पुलाव आप तहरी आप कह सकते हैं। और इसमें आप दही डाल के खा सकते हैं। कमाल है, देखिए घर की सब्जियों का भी बहुत ही अच्छा एक कमाल है। तो लीजिए भर भर के हमारी थोड़े से चावल से बन गई है बिरयानी काफ़ी सारी, ये देख सकते हैं आप। और कढ़ाई हमारी पूरी की पूरी भरी हुई है और आप कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। चलिए अब हम दही को कर लेते हैं। तो चलिए गाइस हमने दही को कर लिया है पतली और थोड़ी चला ली है हमने दही। और दही के साथ में बहुत ही टेस्टी यहाँ पे ये हमारा खाना लगने वाला है। ये आप देख सकते हैं मेरे गार्डन की गोभी कितनी शानदार लग रही है। तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी छत के ऊपर घर के ऊपर जो छत है वहाँ पर सब्जी उगाने के बाद मैंने और कुछ मेरे नीचे से सब्जी लेने के बाद जैसे चावल सोया बड़ी हो गया और मटर हो गया सफल, तो ये मेहनत मेरी कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ बताइए ज़रूर। यहाँ पर हम बना लेते हैं वेजिटेरियल्स पुलाव, वेजिटेरियल्स बिरयानी यानी कि वेज। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप तहरी बोल सकते हैं, खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि खिचड़ी को तो सिंपल भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल भी बनाने वाली हूँ, क्या क्या मैं डालने वाली हूँ और कुछ भी नहीं आपको अलग से कुछ लेना है, केवल और केवल जो आपके किचन में गाइस वो ही लेना है। और देखिए मेरे गार्डन की सब्जी आप देखना कि मैं डालने वाली हूँ, जैसे कि हरी मिर्ची हो गई, गोभी हो गई और भी क्या क्या मैं डालने वाली हूँ। और यहाँ पे ये हो गई दही। तो चलिए हम आज की ये तहरी बनाने वाले हैं, जो कि वेज बिरयानी यानी कि पुलाव, हम राइस पुलाव बनाने वाले हैं। तो चलिए सिंपली बहुत ही टेस्टी ये लगने वाले हैं, करते हैं स्टार्ट। जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं गार्डन से और किचन से रिलेटेड वीडियो लेके आती रहती हूँ, सुनीता किचन गार्डन आप देख सकते हैं।